देखेंगे ग्लूकोज का। आज है ट्यूसडे, डेट है 12, समय हुआ है 4:10, 10 मिनट लेट। हाँ, लिखिए, देर आर सर्टेन रिएक्शंस, देर आर सर्टेन रिएक्शंस विच आर गिवेन बाई एल्डिहाइड्स बट नॉट बाई ग्लूकोज। देर आर सर्टेन रिएक्शंस विच आर गिवेन बाई एल्डिहाइड्स बट नॉट बाई कीटोन्स। जो एल्डिहाइड है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्या बनाता है, वो आप स्ट्रक्चर लिखिए। देर आर सर्टेन रिएक्शंस विच आर गिवेन बाई एल्डिहाइड्स बट नॉट बाई ग्लूकोज। जो ग्लूकोज है वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता। एल्डिहाइड की रिएक्शन NaHSO3 से आपको कंप्लीट करनी है। तो इसमें बनाते हैं RCHOHSO3Na। तो अगर इस रिएक्शन को हम लोग मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो NaHSO3 एक सॉल्ट है। तो ये पूरी तरह से आयंस में आयनाइज हो जाएगा। सॉल्ट है तो पूरी तरह से आयनाइज हो गया है। और जो HSO3- है वो रिवर्सिबली आयनाइज होगा। HSO3- रिवर्सिबली आयनाइज होके क्या बनाएगा, सल्फाइड आयन। SO3 2-। तो आपको बताना है SO3 2- में टोटल लोन पेयर्स कितने हैं। बताइए, बारह। आज की तारीख नहीं बतानी है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन सल्फाइड आयन। हो सकता है मंथ के बराबर हो, 9 है। आप बताइए कितने लोन पेयर है, 9। नाइन है, नाइन है ना। एक सल्फर के पास है तो सल्फाइड जो है वो एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल है। एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल, तो इसमें कौन सी साइट से अटैक होता है, एस वाली साइट से अटैक होगा क्योंकि ओ पर माइनस चार जरूर है लेकिन वो रेजोनेंस में जा रहा है। एज वेल एज ओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो गई। आल्दो ये जनरल रूल नहीं है क्योंकि सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करती है न्यूक्लियोफिलिसिटी।
तो सल्फाइट के सल्फर से अटैक होगा, तो आर सी एच ओ तो सल्फाइट के सल्फर से जब अटैक होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा। तो इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल एम्बिडियंट है और नंबर ऑफ लोन पेयर्स 9 है, 3, 3, 6, 2, 8 और 1, 9। ओ माइनस के पास 3 लोन पेयर होंगे ना, 3, 3, 6, 2, 8, 1, 9। तो इसमें बनेगा देखिए क्या, आर सी एच ओ माइनस एस डबल बॉन्ड ओ O माइनस। सही लिखा है, चेक कर लीजिए। सल्फर के लोन पेयर से अटैक हुआ तो सल्फर पे आ जाएगा प्लस चार्ज, तो प्लस और माइनस मिलके बॉन्ड बना लेंगे। अब इसकी रिएक्शन हो जाएगी H प्लस से, पहले इसने अटैक किया अब H प्लस अटैक करेगा, तो H प्लस से रिएक्शन होगी। तो कौन सी साइट पर अटैक होगा H प्लस का, ऊपर पे, क्योंकि ये तो रेजोनेंस में जा रहा है। तो आर सी एच ओ एच एसओ थ्री माइनस, और ये माइनस एन ए प्लस के साथ आयनिक बॉन्ड से कनेक्टेड होगा। तो इस तरह से एल्डिहाइड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से करा के एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आगे मैं एक रिएक्शन छोटी सी लिख रहा हूं, तो उसका आंसर आप लिखेंगे आर सी एच ओ की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से कराई तो ए बनाया, ए की रिएक्शन एन ए एच से कराओ और डाइल्यूट एच सी एल से कराओ। देखिए अगर हम लोग इसको OHN दे देंगे तो OHN क्या करेगा, इस H को एज ए प्रोटॉन निकालेगा, रिएक्शन रिवर्स हो जाती है, उसकी वापसी हो जाती है एल्डिहाइड। यहाँ पे आप बना दोगे R CHO, पहले तो A लिख लें, A होगा R CH OH SO3 NA। अब NaOH की रिएक्शन होगी तो R CHO वापिस आ जाएगा, साथ में क्या बनाए एन ए टू एसओ थ्री, एन ए टू एसओ थ्री आर सी एच ओ प्लस एन ए टू एसओ थ्री प्लस वाटर। और अगर एच सी एल ले लेंगे तो एन ए टू एसओ थ्री की एच सी एल से रिएक्शन हो जाएगी, तो क्या बना देंगे आर सी एच ओ प्लस ट्वाइस एन ए सी एल प्लस एसओ टू, मतलब एल्डिहाइड की एन ए एच एसओ थ्री से कराई तो एक सॉल्ट बना, क्रिस्टलाइन सॉलिड बना, और वो सॉलिड अगर बेस के साथ या एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो एल्डिहाइड रीजनरेट हो जाएगा। तो एल्डिहाइड जो है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करते हैं लेकिन ग्लूकोज नहीं करता, ये ऑब्जर्व किया गया, देखा गया। एल्डिहाइड जो है वो शिफ्ट रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, लेकिन ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज डज नॉट परफॉर्म
शिफ्ट है इसको। तो रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन जिसका कलर है पिंक, तो रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड एक कंपाउंड है जिसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। तो रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में जब हम लोग SO2 गैस पास कराते हैं तो उससे कलरलेस सॉल्यूशन मिलता है। इस कलरलेस सॉल्यूशन को ही शिफ्ट रिएजेंट बोलते हैं। रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड इसका स्ट्रक्चर हम आपको बता भी देंगे, फिर शिफ्ट रिएजेंट का भी स्ट्रक्चर बता देंगे। रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में इसका एक्वस सॉल्यूशन का कलर होता है पिंक, इसको हम लोग मैजेंटा भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स कलर। मैजेंटा जो है कलर है। तो रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन जिसका कलर मैजेंटा या पिंक कलर है, उसके सॉल्यूशन में SO2 गैस जब पास कराएंगे तो कलरलेस सॉल्यूशन मिलता है जिसको हम लोग शिफ्ट रिएजेंट बोलते हैं। तो शिफ्ट रिएजेंट क्या है? द कलरलेस सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय पासिंग SO2 गैस इन मैजेंटा कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड। अब इस कलरलेस सॉल्यूशन की रिएक्शन जब एल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो पिंक कलर इज रीस्टोर्ड, पिंक कलर is restored। इसको हम लोग शिफ्ट टेस्ट के नाम से जानते हैं। इसकी जो केमिकल रिएक्शन है थोड़ी सी लेंदी है, थोड़ा बड़े बड़े डायग्राम बनते हैं, इसलिए नॉर्मली बताई नहीं जाती है, पूछा भी नहीं जाता एग्जाम में। टेस्ट आपको याद रखना है, एल्डिहाइड गिव्स शिफ्ट टेस्ट, लेकिन ये टेस्ट कीटोन नहीं देते और ये टेस्ट ग्लूकोज भी नहीं लेता। तो ये जब चीजें देखी गई हैं कि कुछ रिएक्शन जो एल्डिहाइड दे रहे हैं वो ग्लूकोज नहीं दे रहा, जैसे NaHSO3 और शिफ्ट रिएजेंट के साथ, तो ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। ऐसे कुछ और भी रिएक्शंस हैं, ग्लूकोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करिए, ओपन चेन स्ट्रक्चर में जो फिशर डायग्राम है, बिना चार्ट के आप D+ ग्लूकोज का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो जाएगा डी ग्लिसरल्डिहाइड। तो डी ग्लिसरल्डिहाइड तो आपको याद ही है, फिर D+ ग्लूकोज का डायग्राम बनाने के लिए टेक्निक क्या है? बिना चार्ट के हल्के प्लस लिखा है, तो एक बार फिर से आप HOH लिख दो। This is just a technique for memorizing the Fischer diagram of D+ glucose. In general, ये trick नहीं है कि plus लिखा है तो HOH लिख दिया। अब आप पलटना शुरू कर दो, यानी OHH HOH। अब D+ glucose की reaction जब हम लोग excess acetic anhydride से कराते हैं तो आप देखिए इसके पास 5 OH ग्रुप्स हैं और हम लोग को मालूम है कि जब अल्कोहल की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराई जाती है तो इसमें आप इसका अटैक इस पे करा के ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हो, रिवर्स अटैक से ये ब्रेक कर देते हो तो क्या बन जाता है? RO CO CH3+ CH3 CO OH।
इसको हम लोग एसिटाइलेशन रिएक्शन बोलते हैं, एसिटाइलेशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज एसिटाइलेशन ऑफ एल्कोहल। और अगर किसी कंपाउंड में कई सारे OH हो तो पर OH के रेस्पेक्ट में इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट कितना 42 और CHO कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की संख्या में जो इंक्रीमेंट आता है CHO सोचो 21 दो 21 अगला सोचने को मजबूर हो जाएगा दो 21 221 दो कार्बन बढ़ेंगे दो हाइड्रोजन बढ़ेंगे एक ऑक्सीजन बढ़ेगा है ना मॉलिक्यूलर वेट में वृद्धि होगी 42 की कार्बन बढ़ेंगे दो देखिए दो बढ़ गए और हाइड्रोजन बढ़ेंगे दो एक था तो बढ़े तो दो ही ना और ऑक्सीजन एक बढ़ गया तो पर OH के रेस्पेक्ट में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बढ़ जाएंगे दो दो एक ये रिजल्ट हम लोग को याद रखना होता है तो अल्कोहल के एसिटाइलेशन से OH के H की जगह एसिटिल ग्रुप आ गया और बन गया एसीटेट इसको बोलेंगे एसीटेट एसीटेट वाला इस पूरे कंपाउंड को बोलेंगे एल्किल एसीटेट जैसे R अगर मान लो एथिल हो तो बोल देंगे एथिल एसीटेट ये तो आपको बताया जा चुका है पहले तो ग्लूकोज के साथ जब रिएक्शन होगी एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड की तो पांच OH है तो प्रोडक्ट का नाम होगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट ग्लूकोज पेंटा एसीटेट और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 180 इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 180 प्लस 210 390 42 इंटू 5 कर दिया अब जिस हिसाब से रिएक्शन लिखी है उस हिसाब से अगर आपसे ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का स्ट्रक्चर बनाने कहा जाए ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का तो नॉर्मली एक स्टूडेंट क्या सोचेगा OCOCH3 ये जो पांच OH है इन्हीं के स्थान पे OCOCH लिख देगा लेकिन एक्चुअल में वो स्ट्रक्चर नहीं पाया गया कंपाउंड यही था ग्लूकोज पेंटा एसीटेट मॉलिक्यूलर वेट यही था स्ट्रक्चर कुछ और मतलब उसमें ये देखा गया कि इस वाले OH पे तो रिएक्शन हुई नहीं ये कौन सा OH है 1 2 3 4 5 6 मतलब पांच नंबर वाला जो OH है वो रिएक्शन नहीं करता तो ये पूछा जाता है कि जब ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड एक्सिस से कराते हैं तो कौन सा OH रिएक्शन नहीं करता है तो आपको जवाब देना होगा पांच नंबर वाला OH तो इन सब ऑब्जर्वेशंस की वजह से हम लोग को इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में सोचना पड़ा तो अब इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर सोचते हैं तो हमने कुछ बातें आपको बताई जो अपने लिए जरूरी थी जानने कि क्यों ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को सोचा गया क्योंकि ओपन चेन स्ट्रक्चर से वो बातें एक्सप्लेन नहीं हो सकती एक तो NaHSO3 के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा मतलब फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होगा ग्लूकोज के पास प्री एल्डिहाइड ग्रुप फिर आपको सर वो जो रिएक्शन दे रहा है वो क्यों दे रहा है ये भी तो क्वेश्चन आता है कि HCN के साथ तो दे रहा है NH2OH के साथ तो दे रहा है फिर उसका भी जवाब है कि दो तरह के रिएजेंट्स होते हैं स्ट्रॉन्ग रिएजेंट वीक रिएजेंट अगर स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होगा तो साइकिल खुल जाएगी वीक रिएजेंट होगा तो साइकिल खुल नहीं पाएगी इस तरह से हम लोग को चीजें एक्सप्लेन करनी होती हैं तो साइक्लिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये जो एल्डिहाइड और पांच OH है डी प्लस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में उसका हम लोगों ने स्ट्रक्चर दोबारा लिखा और
इससे जो है इस पे अटैक करा के इंट्रामॉलिक्यूलर हेमी एसिटल फॉर्मेशन हो जाता है, एल्डिहाइड की रिएक्शन एल्कोहल से हो जाए, और इसमें 5 नंबर कार्बन का जो OH है वो पार्टिसिपेट करता है, उससे 6 मेंबर की साइकिल बन जाएगी। और एक चीज आप ये भी गौर करोगे, जैसी रिएक्शन होगी तो 1 नंबर कार्बन जो है वो चिराल कार्बन बन जाएगा, और जो OH यहां से गायब हो रहा है 1 नंबर कार्बन पे प्रकट हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि एल्डिहाइड की रिएक्शन एल्कोहल के साथ हो सकती है, एल्डिहाइड एल्कोहल को एब्जॉर्ब कर सकता है, कीटोन भी एल्कोहल की सिलेक्शन कर लेता है, तो फ्रक्टोज की भी रिएक्शन लिख लो साथ साथ, तो दोनों स्ट्रक्चर साथ साथ पढ़ेंगे। ये डी प्लस ग्लूकोज है, ऐसे ही डी माइनस फ्रक्टोज की रिएक्शन आप लिखेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर, और उसमें 5 मेंबर की साइकिल बनेगी, यहां 6 मेंबर की बन रही है। और जिनको ये रिएक्शन नहीं क्लियर है मान लो, तो इसको मान लो HNU और ये CO, तो O को दे दिया H और C को दे दिया NU। इसके साथ NU और O को दे दिया H, और इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होते ही चिराल कार्बन डेवलप हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर लिखा है, ओपन चेन फिशर डायग्राम, और इसको बोलते हैं साइक्लिक फिशर डायग्राम। और इसमें जैसे ही चिराल कार्बन डेवलप हुआ तो वो 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा, HOH, OHH, HOH, लेकिन नया किराल कार्बन है, और ऐसे ही दूसरा बना ले, HOH, OHH, HOH, और ये नया जो चिराल कार्बन, इसमें पहले वाले में लिख लेंगे HOH, दूसरे में OHH। जैसे ही इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हुई, चिराल कार्बन डेवलप हुआ, जो 2 कॉन्फिगरेशन पॉसिबल है दोनों बना दिए। इसको क्या नाम देंगे, अल्फा फॉर्म
इसको नाम देंगे बीटा फॉर्म। तो डी प्लस ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर की दो फॉर्म्स आएंगी, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। ये दो फॉर्म क्यों आई, वो ऑटोमेटिक क्लियर हो रहा है कि नया चिराल डेवलप हुआ तो दो फॉर्म्स बनेंगी। तो अल्फा और बीटा भी एक दूसरे के क्या है, डायस्टोमर्स है, लेकिन क्योंकि एक ही चिराल कार्बन में कंफिग्रेशन में फर्क है, एपीमर्स भी हैं। और इस कार्बन को एनोमरिक कार्बन बोलते हैं। तो एनोमरिक कार्बन उसको बोलेंगे जिसके पास दो ऑक्सीजन है, इन द फॉर्म ऑफ ईथर ईथर या इन द फॉर्म ऑफ एल्कोहल ईथर। एनोमरिक कार्बन बोलेंगे उस कार्बन को जिसके पास दो ऑक्सीजन है, जिसके साथ दो ऑक्सीजन अटैच है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ टू ईथर और इन द फॉर्म ऑफ एल्कोहल ईथर। तो एल्कोहल ईथर हो या ईथर ईथर हो, तो ऐसे कार्बन को हम लोग एनोमरिक कार्बन कहेंगे। तो जो अल्फा बीटा फॉर्म्स हैं, अल्फा बीटा फॉर्म्स ऑफ डी ग्लूकोज आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के एनोमर्स। तो एनोमर्स की डेफिनेशन लिख लें। एनोमर्स की डेफिनेशन क्या होगी, एनोमर्स आर दोज एपीमर्स विच हैव डिफरेंस इन कॉन्फिगरेशन अराउंड एनोमरिक कार्बन। एनोमर्स आर दोज एपीमर्स which have difference in configuration around anomeric carbon। अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स ऑफ डी प्लस ग्लूकोज आर एनामर्स एज वेल एज एपीमर्स एज वेल एज डाइस्टोमर्स आर हैविंग फाइव चिराल कार्बन्स एंड नो पाई बॉन्ड। एनोमर्स भी है, एपीमर्स भी है, डायस्टोमर्स भी है, और पांच चिराल कार्बन है, जबकि ओपन फॉर्म में कितने हैं, चार है। तो ऐसे बाकायदा मेंशन करके आएगा, अगर पूछा जाए कि ग्लूकोज के पास कितने चिराल कार्बन है, मेंशन होके आएगा कि ओपन चेन में पूछ रहे हो कि साइक्लिक में पूछ रहे हो, क्योंकि दोनों ही फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। अब फ्रक्टोज का हम लोग देख ले साइक्लिक फॉर्म, फिर म्यूटा रोटेशन पे काम करते हैं। तो आप डी माइनस फ्रक्टोज का ओपन चेन डायग्राम लिखिए, डी माइनस फ्रक्टोज का ओपन चेन डायग्राम सभी लोग लिखें। एक मिनट में सभी लोग डी माइनस फ्रक्टोज का डायग्राम लिखिए। लिख लिया
अब डी माइनस फ्रक्टोज में इंट्रा मॉलिकुलर रिएक्शन कराएंगे कीटोन और पांचवें कार्बन के एल्कोहल के साथ, तो पांच मेंबर की रिंग बनेगी। यही तो है, ये है डी माइनस फ्रक्टोज। अब इसमें आप क्या करेंगे, इस सीओ की रिएक्शन इस OH से करा देंगे, तो इससे H CH2OH, ये C, ये CH2OH और ये लिखा है HOH, ये लिखा है OHH और ये OH। ये देखिए नया चिराल कार्बन डेवलप हुआ। अब इसकी आपको दो फॉर्म्स लिखनी है, फिशर डायग्राम में ही इसकी दो फॉर्म्स लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे देखिए, ये नया चिराल कार्बन डेवलप हुआ है और ये ऐसी दूसरी फॉर्म लिख लें, H HOH OH H अब जो पहला मेंबर होगा उसमें OH कहां रखेंगे, इसके पास देखिए OH और CH2OH है, तो पहले मेंबर में OH राइट साइड दाहिनी तरफ, क्योंकि डी फैमिली का मामला है, तो CH2OH लेफ्ट साइड में, और ये कार्बन नंबर कौन सा है, टू है, ये कार्बन नंबर टू है बेटा, यानी डी ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर वन एनोमेरिक कार्बन है, लेकिन डी फ्रक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर टू एनोमेरिक कार्बन। ये कार्बन एनोमेरिक क्यों है, क्योंकि इसके साथ एक ईथर है, एक एल्कोहल है, लेकिन तीन नंबर कार्बन या जो बाकी कार्बन है उनके पास या तो एल्कोहल है या ईथर है, इसके पास देखिए केवल एल्कोहल, इसके पास केवल ईथर, इसके पास एल्कोहल, इसके पास एल्कोहल, इसके पास एल्कोहल, लेकिन यही कार्बन ऐसा है जो एल्कोहल भी रखे ईथर भी रखे, तो ये एनोमेरिक कार्बन है, इसको बोल देंगे अल्फा फॉर्म ऑफ डी फ्रक्टोज, इसको बोल देंगे बीटा फॉर्म। अब आप ये देखो कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है और फ्यूरॉन का क्या होता है, जब आप फ्यूरॉन का बनाते हो तो फ्यूरॉन का आप स्ट्रक्चर बनाते हो ये, और टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन का ये स्ट्रक्चर होता है, तो नाम है फ्यूरॉन को फोर कार्बन है, फ्यूरॉन मतलब फोर कार्बन, और जो ये है वो है पाइरन, ये पाइरन है पांच कार्बन, पाइरन में पांच की आवाज आ रही है, पांच फाइव नहीं पांच, ऐसे ही हो जाएगा टेट्राहाइड्रोपाइरन PHP। तो ग्लूकोज के केस में पाइरन वाली रिंग होगी और फ्रक्टोज के केस में फ्यूरॉन वाली रिंग होगी, तो जब हम लोग ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे हैवर्थ प्रोजेक्शन डायग्राम, अभी बनाया फिशर डायग्राम, तो हैवर्थ डायग्राम बनाते हैं अल्फा और बीटा फॉर्म का हैवर्थ डायग्राम। तो एक बार फिर से हम लोग साइक्लिक
फिशर डायग्राम ऑफ बीटा डी ग्लूकोज बनाइए, ये बार बार बनाइए, नहीं तो ऐसे आप याद नहीं रख पाओगे। जितनी ज्यादा बार बनाओगे सवाल आपके उतने जल्दी होंगे। आईटीजेई में इस पे बहुत हैवी हैवी क्वेश्चन आ चुके हैं, अगर आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर नहीं है तो टाइम लगेगा सवाल करने में। इसलिए डायग्राम को जितनी बार बनाने का मौका मिलेगा, आप सोचिए मैंने कितनी बार बनाया होगा। और तभी भी हमको बनाने के लिए सोचना पड़ता है, मतलब 15-20 सेकंड लग जाते हैं सोचने में। तो साइक्लिक फिशर डायग्राम, फिशर डायग्राम मतलब इस पैटर्न पे, तो एच एच ओ एच ओ एच 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 ओ एच और बीटा में क्या आएगा, बीटा में यही तो आएगा। इसमें आप अगर अभ्यस्त हो गए तो ये टॉपिक बहुत सरल लगेगा। अगर ये डायग्राम आप जल्दी से बना लेंगे बिना मेंटल प्रेशर के, आपको प्रेशर ना महसूस हो। अब देखिए इसमें करना क्या है, आपको एक साइकिल बनानी है और उसमें ऑक्सीजन जो है राइट पे रखना और ऊपर रखना है। ये सब कन्वेंशन है, उस कन्वेंशन के कारण पे नहीं जाएंगे, उसका कारण भी है लेकिन केवल कन्वेंशन अभी जान लो कि वो आपने ऊपर लिखना और राइट पे लिखना है और क्लॉकवाइज नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 5। ये देखिए एक नंबर कार्बन है, ये देख रहे हैं एक नंबर कार्बन है, ये दो नंबर है, ये तीन नंबर, चार, पांच और ये छह। तो फिशर डायग्राम में जो OH लेफ्ट पे होगा उसको हम हैवर डायग्राम में कहां रखेंगे, ऊपर। ये लेफ्ट हैंड है मेरा, इतना तो समझाने की जरूरत नहीं है। फिशर डायग्राम में जो OH लेफ्ट में है, जैसे ऊपर देखिए इसको OH लेफ्ट में, तो उसको हम लोग हैवर डायग्राम में कहां रखेंगे, ऊपर। और फिशर डायग्राम में जो OH राइट साइड में है, हैवर डायग्राम में उसको नीचे रखेंगे। अब इससे आप बना डालो, फिशर डायग्राम में, साइक्लिक फिशर डायग्राम में जो OH ऊपर है, जो OH लेफ्ट में है ना, जो OH लेफ्ट में है उसको हैवर डायग्राम में ऊपर रखना है, और जो OH राइट पर है उसको नीचे। कैसे याद रहेगा, आप किसी का वेलकम ऐसे करते हो, ये भाषा ही बटी और अंगबाजी दिखाने के लिए, और ऐसे ऐसे याद, मैं हमको तो ऐसे ही याद हो गया, कभी भूले ही नहीं गए। क्योंकि ये सब देखिए फाइबर है या फिशर है, सब इंडियन लोग तो है नहीं, इंडियन होते तो हम लोग इनके घर पहुंच जाते समझने के लिए, अब इतनी दूर रहते हैं उनको मिलने भी ना दें आपस में, अब तो खैर ऊपर ही पहुंच गए हो। तो एक नंबर कार्बन पे OH कहां रखे, ऊपर। दो नंबर कार्बन पे OH नीचे रखते हैं, तीन नंबर पे ऊपर रख दो, चार नंबर पे नीचे रख दो, और पांच नंबर पे CH2OH को ऊपर रखना होगा। इस तरह से ये बन गया बीटा फॉर्म, इसको बोलेंगे बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरनोज। बीटा लिखा, डी लिखा, प्लस ग्लूकोपाइरनोज। पायरन वर्ड कहां से आया, पायरन की साइकिल है, ओज वर्ड तो जानते हैं कार्बोहाइड्रेट के नामों में ही ओज लगी हुई है। बीटा वर्ड क्यों है, क्योंकि ये बीटा एनोमेरिक फॉर्म है, डी डी फैमिली का मेंबर है, प्लस
ये पीपीएल के प्लेन को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और बीटा वाली फॉर्म का आप रख लो बिल्कुल दिमाग में, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, वो ऊपर है, वो कहां है, ऊपर है, वो ऊपर है और क्लॉकवाइज चलना है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। ऐसे ही हम लोग फ्रक्टोज के केस में देखते हैं, ये जो फ्रक्टोज है इसमें हम अल्फा फॉर्म आपको याद कराएंगे, इसमें अल्फा फॉर्म याद कराएंगे, जो फॉर्म आसानी से याद हो सके। तो देखिए क्या करना है, इसमें आपको ऐसे एक साइकिल बनानी है, इसमें फ्यूरॉन वाली रिंग बनेगी और क्लॉकवाइज नंबरिंग होगी, इसको देंगे दो नंबर, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये देखिए एक नंबर, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह। तो देखिए ओएच कहां पे है, राइट में, तो ओएच कहां लिखेंगे, नीचे, है ना। अब तीन नंबर पे देखिएगा ओएच ऊपर आ रहा होगा, लेफ्ट में है ना। देखिए हम अल्फा फॉर्म याद करा रहे हैं आपको, इसमें ग्लूकोज की हमने बीटा फॉर्म याद कराई, फ्रक्टोज की अल्फा फॉर्म याद करा रहे हैं। देखिए ओएच कहां पे है, राइट में है तो नीचे लिख दिया, तीन नंबर पे ओएच का है लेफ्ट में तो ऊपर लिख दिया, चार नंबर पे ओएच का है राइट पे तो नीचे लिख दिया, और पांच नंबर पे सी एच टू ओएच ऊपर लिख दो, क्लॉकवाइज चल रहा है, ये नंबर एक है ना, क्लॉकवाइज चल रहा है। अब किसी व्यक्ति के पास बढ़िया सा पन्ना हो, बिल्कुल बिना लाइन वाला प्लेन पेपर हो, बिल्कुल क्वालिटी पेपर की अच्छी हो, दे दीजिए, फाड़ दीजिए, अच्छा अल्फा फॉर्म का पहले डायग्राम तो याद कर लीजिए आप, याद हो गया भैया, कैसे याद रखना है, नीचे ऊपर अल्फा फॉर्म। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक पेन दीजिए, अच्छा सा आपको पेन चाहिए, आपके हाइट अच्छी, इसको आप देखिए, दिख रहा है, अच्छा अब इसको लाइट में, जैसे लाइट इसको पलटिए, मतलब इसको आप लाइट में देखिएगा, पलट नहीं पीछे देखिए, लाइट में पलट के, हाँ ऐसे ऐसे देखिए, क्या इससे महसूस किया आपने, ये नहीं महसूस कर पाया, देखिए ये डायग्राम बना है ठीक है, अब इसको मैंने पलट दिया और पल नहीं है, वही वही डायग्राम बेटा, बीटा नहीं बना एक्चुअली, इस डायग्राम को हम दो पैटर्न पे लिख सकते हैं, मतलब जो दो नंबर कार्बन अभी राइट पे लिखा है उसको हम लेफ्ट पे भी लिख सकते हैं, तो कैसे हमें उसको समझना होगा, आपने ये देखा डायग्राम बना हुआ है, मैं अपनी कॉपी का एक पन्ना फाड़ के ऐसे बना लीजिए, फिर उसको आप ऐसे पलट दो और उसको लाइट में देखिए, आप ऐसे लाइट में आप देखोगे तो देखिए दो नंबर लेफ्ट में दिख रहा है, तो अगर दो नंबर लेफ्ट में बनाना हो तो वो डायग्राम आप बना दो, या मौके पे वैसा बन के आए तो आप समझ पाओ कि ये अल्फा ही है, आप बना के देखिए,
आपका पन्ना था इसलिए आपको दिया है। आप लोग बनाइए इसको, मतलब इस तरह से बनाना है, ऐसे घुमा दीजिए। तो ऐसे घुमा के बनाना है और उसके लिए हमने एक पन्ने बनाया, ये बना हुआ है, इसको पलटा ऐसे हमने, ये बना है देखिए, इसको हमने पलटा और पलटने पर ऐसे तो नहीं दिख रहा हमें, तो लाइट में दिखेगा वो, तो लाइट में दिख जाएगा, तो डायग्राम आप बना सकते हो। ये अल्फा फॉर्मी देखिए कैसे बन सकती है, वो जब हम इसमें देख रहे हैं तो OH नीचे है, CH2OH ऊपर, और यहां क्या है OHH, यहां OHH, इधर H CH2, ये भी अल्फा फॉर्मी है। यानी ये हुआ मतलब कि जैसे इसमें क्लॉकवाइज चलाया था, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ऐसी एंटी क्लॉकवाइज चला सकते, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, अल्फा ही है। अरे या वो बीटा उसके लिए लिखा था, हमने क्या दिखाया ये, ठीक है, यही अल्फा फॉर्म, इसी को हमने ऐसे पलट दिया। तो अब देखिए दो नंबर कार्बन है ये, तो इस पैटर्न पे भी लिख सकते हैं, तो कई बार इस पैटर्न पे लिख के आता है तो स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं, मतलब ये और ये आइडेंटिकल है, और उसके लिए ये पन्ना चाहे तो आप मूव करा सकते हो, जो मैंने बताइए, जो मांगना चाहे मूव करा दीजिएगा। ये क्लियर है? अरे पेन आपके से। ठीक है, अब एक काम करिए, जो सुक्रोज है तो क्रोज का अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएं एच प्लस की प्रेजेंस में, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है, C12H22O11, इससे क्या मिलता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा। तो आप सुक्रोज का डायग्राम देखिए कैसे बनाएंगे, जब हमें पता होगा कि सुक्रोज एक डाई सैकेराइड है, और वो कैसे बनेगा, वो बनेगा अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, जो हमने याद किए थे उसके उल्टे, जो हम लोगों ने याद किए थे उसके उल्टे, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से वाटर निकाल दीजिए तो आपको सुक्रोज का हैवर्थ डायग्राम पता लग जाएगा। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से वाटर निकाल दीजिए तो सुक्रोज का स्ट्रक्चर पता लग जाएगा। तो हमें ये रटना पड़ेगा, रटना, मैं खुद बोल रहा हूं, रटना पड़ेगा कि सुक्रोज में कौन सी यूनिट होगी, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। तो सुक्रोज का नाम ही होता है, क्या नाम होता है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोसिल बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरनोसाइड, ये सुक्रोज का नाम है। इस नाम से आपको कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि अल्फा डी ग्लूकोज और उसका पाइरानोस फॉर्म,
और बीटा डी फ्रक्टोज उसका फिरोनोज फॉर्म। नाम क्या है? अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोसिल बीटा डी फ्रक्टोफिरोनोसाइड। बोल के देखो एक बार। अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोसिल बीटा डी फ्रक्टोफिरोनोसाइड। पहले में पाइरानोसिल, फिर अगले में साइड, फिरोनोसाइड। अब इसका डायग्राम बनाने के लिए आपको करना, गौर करिएगा, आप डायग्राम बनाएंगे, हम आपको दो मिनट का समय देंगे। पहले आप अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज लिखेंगे, फिर राइट साइड पे लिखेंगे बीटा डी फ्रक्टोफिरोनोज, और उसमें अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज के C1 का OH और बीटा डी फ्रक्टोफिरोनोज के C2 का OH वाटर निकाल के लिंकेज बना देंगे। वो हमने आपको अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज का हैवर्थ प्रोजेक्शन डायग्राम बताया है, उसके लिए हमने बीटा का सिखाया है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप तुरंत क्या करेंगे, बीटा डी ग्लूको, ये अगर आपने सीख लिया और कॉन्फिडेंस आ गया इसके आप, तो आगे के स्ट्रक्चर आपको बहुत आसान लगेंगे। इस पे पहले आप बिल्कुल पक्के हो जाओ। अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज का बनाना है तो बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज हमने याद किया था। कैसे याद किया? सबसे पहले एक साइकिल बनाई 6 मेंबर की, जिसमें एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रखा राइट पे, नंबरिंग की क्लॉकवाइज, ऐसे वर्टिकल लाइन लगा दी। बीटा था, क्या लिखेंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। मान लो आपको मौके पे कंफ्यूजन हो तो कंफ्यूजन कैसे दूर होगा, भैया ओ ऊपर है, CH2H ऊपर आता है, यानी ठीक लिखा है। इससे आपको अगर कंफ्यूजन होगा तो वो दूर हो जाएगा, यार ओ ऊपर है, CH2H ऊपर आता है, तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। एच 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 एच। अब क्या करेंगे, अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरनोस का स्ट्रक्चर बना दीजिए। और उसका स्ट्रक्चर उन्होंने कौन सा बनाया था जो मैंने आपको सिखाया है? मैंने सिखाया था इस तरीके से क्लॉकवाइज चल के, हमने सिखाया था नीचे ऊपर नीचे ऊपर, यही तो सिखाया है। अल्फा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरनोज, ये आपको स्वयं बनाने हैं, मैं बार बार बना जरूर रहा हूं लेकिन कोशिश करिए आपको याद हो जाए। अब इसमें हम लोग बीटा में क्या करते थे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, अल्फा में क्या करेंगे, ये ओवे चाहेगा, ये अल्फा फॉर्म हो गई। अब बीटा किसकी, फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज हमने क्या याद किया था, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, अल्फा में। बीटा में क्या होगा, ये बीटा हो गई। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। ऊपर वाली फॉर्म कौन सी लिखी हमने, मौके पे आपको पहचाननी होगी, केवल बनाना नहीं होगा बार बार। ऊपर अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज है, कैसे याद रहेगा, यार हमने बीटा का याद किया ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, बाकी सब सही, लेकिन नीचे आ गया, इसका मतलब अल्फा फॉर्म हो गई। और फ्रक्टोज में कैसे याद किया था, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, लेकिन वैसे तो ऊपर आ गया, मतलब ये बीटा फॉर्म हो गई। ग्लूकोज की आप बीटा फॉर्म याद रखोगे, और क्योंकि आसान है याद रखना, फ्रक्टोज की अल्फा फॉर्म याद रख लो।
उसके लिए आप दो चार बार बना बना के देखो ताकि याद हो जाए। अब आप क्या करेंगे, जब इसमें से वाटर निकालेंगे तो इंटरेक्शन जो है इन दोनों के बीच कराएंगे। तो यहां डायग्राम थोड़ा आपको अच्छा दिखेगा, वहां थोड़ा तिरछा दिख रहा था। तो इसी पैटर्न पे बुक्स में बना होता है। ये आएगी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जैसे वहां पे अमीनो एसिड में पेप्टाइड लिंकेज बोलते थे, यहां बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मतलब डाइसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड्स में जो लिंकेज आएगी वेरियस मोनोमरिक यूनिट्स के बीच में, उसको बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, इसमें क्या करते हैं नीचे ऊपर नीचे ऊपर, और यहां क्या लिख दें CH2OH, ये H हो गया। और इस वाली लिंकेज को नाम दे देंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सुक्रोज कैसे बनता है, सुक्रोज कैसे बनता है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरनोज और बीटा डी फ्रक्टोफिरनोज के C1C2 के बीच कंडेंसेशन से वाटर मॉलिक्यूल के निकलने से। सुक्रोज इज ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन बिटवीन अल्फा डी ग्लूको पायरनोज एंड बीटा डी फ्रक्टो फिरनोज। सुक्रोज ऑब्टेन बाय कंडेंसेशन बिटवीन अल्फा डी ग्लूको पायरनोज एंड बीटा डी फ्रक्टो फिरनोज थ्रू एलिमिनेशन ऑफ वॉटर बाई इंटरेक्शन ऑफ टू ओ एच ग्रुप्स प्रेजेंट एट C1 and C2 रेस्पेक्टिवली। मतलब C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C2 ऑफ फ्रक्टोज। सुक्रोज इज ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन। लैंग्वेज से इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है तो लैंग्वेज तो बना लीजिए, कैसे बना लीजिए, भाषा पे अगर कंट्रोल है तो। अल्फा डी ग्लूकोपाइरनोज और बीटा डी फ्रक्टोफिरनोज उसके C1C2 के OH से वाटर निकलते। इसीलिए जब सुक्रोज का नाम रखते हैं क्या नाम रखते हैं, अल्फा डी ग्लूकोपाइरनोसिल ब्रैकेट में 1-2 एरो लगाते हैं 1-2 बीटा डी फ्रक्टोफिरनोसाइड, मतलब उसमें एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ब्रैकेट में दिखा देते हैं 1-2। तो आप खुद सोचिए अचानक अगर सुक्रोज का डायग्राम बनाने को आ जाए तो कितना मुश्किल होगा। अभी एक घंटे बाद ही अगर हम आप सोचोगे बना नहीं बना पाओगे, जब तक आप दिमाग पे जोर लगाओगे यार पहले अल्फा फिर बीटा वो सब लिख के वाटर निकाल के, अगर कोई तुरंत बना ले रहा है तो मतलब बहुत बड़ी बात है, फिर उसकी मेमोरी बहुत जबरदस्त है। क्या किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि सर एक घंटे बाद देखेंगे, मतलब एक घंटे बाद आपसे कहा जाए कि सुक्रोज का डायग्राम बनाओ तो आप देखिए कितने सेकंड लग रहे हैं, यानी कि नकल करने, मतलब
आप इंडिपेंडेंटली सोच के तो क्रॉस का डायग्राम बना के देखिए कितना समय लग रहा है। अगर आपको 30-35 सेकंड से ज्यादा समय लग रहा है मीन्स आपकी तैयारी कमजोर है, क्योंकि अभी तो सुक्रोज है, फिर आपको लैक्टोज का ध्यान रखना है, माल्टोज का ध्यान रखना है, सेलोबायोस का ध्यान रखना है, हमें 4 डाइसेक्राइड पढ़ने होते हैं, तो बहुत सारे 4 पढ़ने, कौन कौन से, सेलोबायोस, कौन कौन से पढ़ने हैं, सेलो बायो, समझ गए होगे, सेलो बायो, मैंने बी को ऐसे क्यों लिखा, मतलब बीटा डी ग्लूकोज की 2 यूनिट लिखो, C1 और C4 पे कंडेंसेशन करा, बनाइए इसका, इसका डायग्राम बनाइए, कैसे बनाओगे, बीटा डी ग्लूकोज इसका C1 पकड़ो प्लस बीटा डी ग्लूकोज इसका C4 पकड़ो और इससे क्या निकाल दीजिए, वाटर। ये बीटा कैसे याद रहेगा, जब आप सेलो बायोस की स्पेलिंग को ऐसे लिखोगे तो याद हो जाएगा बीटा, नहीं नहीं ऐसे लिखा देखो नोटा ऊपर नीचे तो कभी कभी किया जाता है, नॉर्मली तो आपको ऐसे करो, क्या आप ये बिना नोट्स की हेल्प के बना पा रहे हैं, ये खुद पे आप देखिए, हेलो बायोस C12H22O11 is a disaccharide of beta D glucose in which glycosidic linkage is present between C1 of 1 beta D glucose and C4 of another beta D glucose. बीटा डी ग्लूकोज आपको पल भर में याद है, बीटा डी ग्लूकोज आपने याद किया अच्छे से याद के लिए, ऊपर नीचे ओ ऊपर है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ऐसे इसमें ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर,
ये ना ऐसे है, ये ओ है, मतलब ऐसे एन लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना, एन। और क्या तरीका वाटर निकलेगा, इस ओएच और इस ओएच के बीच वाटर निकलना है, ऐसे तो बनाओगे ओ को बीच में रख, और अगर सीधा दिखाना है तो एक काम करना पड़ेगा, इसको पलट दो, इसको ऐसे पलट दो जिससे ओ नीचे आ जाए, वो भी एक तरीका है। तो वो देखिए, पहले तो ये देखो बीटा डी ग्लूकोज को हम लोग कैसे लिखते हैं, ओ ऊपर, क्या लिखते हैं, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर, ऐसे लिखते हैं। और अगर ओ को नीचे लिख दें, अभी क्या करना है, क्लॉकवाइज, फिर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ओ को अगर नीचे लिख दें तो नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और ये कैसे जज कर सकते हो, एक सादे पेपर में डायग्राम ये बनाओ और उसको रोशनी में, मतलब पलट के आप रोशनी में देखोगे तो यही डायग्राम दिखेगा। हो रहा है ऐसे, मतलब एक डायग्राम ये बनाइए सादे पेपर पे, फिर उसको ऐसे पन्ने को पलटा दो ताकि वो नीचे आ जाए, है ना, जब पलटाओगे तो पन्ना भी तो पलट जाएगा, फिर उसको आपने रोशनी में तो देखना है, लाइट में आप देखोगे तो वो डायग्राम यही दिख रहे हैं, ये चेक कर लो। तो देखिए ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर, और इसमें क्या किया, इसमें क्लॉकवाइज चल रहे हैं, उसमें एंटी क्लॉकवाइज, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब आप देखिए दोनों वे सेम थ्रेड दिख रहे हैं, अब आपको सेलोबायोस बनाने में कैसे दिखेगा, वो सीधे सीधे दिखेगा, तो डायग्राम मोर देन वन का क्वेश्चन आ जाएगा, पता लगा पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स सेलोबायोस, कईयों को लग रहा होगा ऐसे क्वेश्चन थोड़ा ना पूछे जाएंगे, इससे कठिन पूछे गए हैं, इससे कई गुना कठिन क्वेश्चन पूछे गए ऑलरेडी, पहले हमको भी लगता था ये सब थोड़ा पूछे जाएंगे, और एनसीईआरटी में दे रखा है तो पूछ सकते हो, और पूछा ऑलरेडी गया ही है, कईयों को पता होगा पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो तो बना सकते हैं ना सेलो बायोस का डायग्राम दो पैटर्न पे। अब जैसे सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज, इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस कराओ एसिडिक मीडियम में, केवल मिलता है ग्लूकोज, और सेल्यूलोज क्या है, पॉलीसेक्राइड, इसका फॉर्मूला क्या है, ये रिएक्शन तो आपने पढ़ी है, सेलुलोज में भी होती है, स्टार्च में भी होती है, स्टार्च के हाइड्रोलिसिस से भी ग्लूकोज मिलता है, स्टार्च का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ और फर्क होंगे, तो सेलुलोज के हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज मिला। अभी आपने सेलोबायोस का डायग्राम देखा, सेलुलोज का बना लोगे, उसी को आप लगातार एक्सटेंड कर चले जाओ, अभी आपने दो बनाए हैं, कई सारे बना लो, पॉलीमर बन जाए,
ड्रॉ करिए सेलुलोज का स्ट्रक्चर। एक बार तो जीवन में ड्रॉ कर लो, कल को ये अफसोस न रह जाए कि यार एक बार तो कर लेते, बोले ड्रॉ कर लेते। भाई ये डायग्राम बार बार तो देखो आप ड्रॉ करोगे। एक बार ड्रॉ करोगे तो आपको थोड़ा सा रियलाइज होगा उसकी गंभीरता। सेलुलोज का डायग्राम कैसे करना है, कैसे बोले ड्रॉ करना है, बीटा डी ग्लूकोज लिखते चले जाओ ऐसे एक लाइन में और वाटर निकालते चले जाओ, बस देखना कॉपी गीली ना हो जाए। हिम्मत करिए, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट में अगर सेलुलोज बन जाए हमने 4 यूनिट ड्रॉ कर दी। अब आपको ये OH और ये OH लेना है, फिर ये OH और ये OH लेना है, ये OH और ये OH लेना है, ये C1 है और ये C4 है, फिर ये C1 है और ये भी 1 है ना, ये भी 1 है, ये 4 है, ये 4 है। देखिए क्या होगा इसमें, ये आएगा ऐसे, इसमें मौके पे आपको सिंपली इस तरह पहचानना होगा। मान लो ये डायग्राम आ गया, ऐसे डायग्राम सेलुलोज के 4 ऑप्शन बने होंगे, आपको सिंपली ये देखना होगा कि अगर इस पर हम हाइड्रोलिसिस कराएं, यहीं पर होगा हाइड्रोलिसिस, तो एच ओ एच ओ एच ऊपर आ गया, तो ऊपर नीचे ऊपर
यहाँ बनाना है अभी हम लोग को, यहाँ भी ऐसे ही आएगा ना बेटा, इसमें ऐसे आएगा, इस तरह चल रहा है, तो आपको यही देखना है मेन, ऐसे बीच में देख लो, यहाँ पानी डाला तो देखो OH ऊपर आ गया, ऊपर नीचे ऊपर, मतलब सही बना है। केवल आपको ऐसे चार ऑप्शन ड्रॉ होंगे कि बताइए इनमें से कौन सेलुलोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको बनाना नहीं है ऐसे कि इतना टाइम वेस्ट हो, केवल चेक करना है, और चेक करने के लिए आपको जहां पे एसिटल या कीटल लिंकेज हो वहां हाइड्रोलिसिस करा देना है, और दिमाग में याद हो कि इसमें बीटा डी ग्लूकोज मिलना चाहिए, ऐसे डायग्राम बन गया। तो जो इस तरह का सेलुलोज आएगा पॉलीसेक्राइड, उसमें प्रत्येक ब्लॉक में कितने OH होंगे, तीन, बीच में पकड़ लो ना, किनारे क्यों देख रहे हैं, एक OH, दूसरा और तीसरा, टोटल पांच OH होते हैं अगर वो मतलब एक साइकिल हो तो, लेकिन जब कंडेंसेशन होगा तो C1 C4 के OH तो पानी निकालने में इन्वॉल्व हो गए ना, तो तीन ही तो OH बचे। तो IIT JEE में पहली बार जब कार्बोहाइड्रेट का क्वेश्चन आया था आज से करीब 15 साल पहले, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, लगभग 15 साल हो गया होंगे, तो पूछा गया था सेलुलोज ट्राई एसीटेट का डायग्राम। तो मैंने एक ब्लॉक में कितने OH बताया, तीन। अब समझ गया होगे सेलुलोज ट्राई एसीटेट का डायग्राम कैसा होगा, यानी हर ब्लॉक में जो तीन OH लगे हैं उनको OAC में कन्वर्ट कर दो। और उन्होंने चालाकी क्या की ऑप्शंस में, उन्होंने तीन ब्लॉक बनाए, हमने तो चार बनाए, उन्होंने तीन बनाए, हर एक में एक एक OAC कर दिया, मतलब जो तीन गलत ऑप्शन थे उनमें गलतियां किस तरह से की उन्होंने भटकाने के लिए। और आप समझ गए होंगे कि सेलुलोज ट्राई एसीटेट में कितने AC लगे होंगे, 3N, क्योंकि हर ब्लॉक में तीन AC लगे हैं और ऐसे N ब्लॉक्स हैं, ठीक है, बना लेंगे डायग्राम उसको। अब आपने सेलो बायोस का देख लिया, उसी के आधार पे सेलुलोज का हो गया, अब अदर डाइसेक्राइड्स लिख लें, अदर डाइसेक्राइड्स में कौन कौन से हैं, एक तो है माल्टोस, एक है सेलोबायोस को मैंने बताई दिया, एक है लैक्टोस, दो मैंने आपको बता दिए, एक सुक्रोज बता दिया, एक सेलोबायोस बता दिया। अगर आप गौर करो सेलोबायोस में, यह है सेलोबायोस, चेक करिए तो है, यह है सेलोबायोस, बताइए सेलोबायोस में क्या हेमी एस्टर लिंकेज है, क्या सेलोबायोस में हेमी एसिटल लिंकेज है, कुछ लोग कह रहे हैं, बाकी लोग तय करें, है ना, राइट साइड में देखो, राइट साइड में तो है CHOHO, और आपको पता है कि हेमी एसिटल जो है फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस करता है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन को रिड्यूस करता है, टॉलन रिजन को रिड्यूस करता है, और हेमी एस्टर की वजह से ही फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओ तो ओसा जोन बनता है, ग्लूकोज की रिएक्शन फेनिल हाइड्रोजन एक्सेस से कराओगे तो ग्लूकोसा जोन बनता है ना, यानी ये जो सेलोबायोज है ये फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस करेगा, बेनेडिक्ट सोल्यूशन को रिड्यूस करेगा, टॉलन रिजन को रिड्यूस करेगा, क्लियर है, और ओसा जोन बनाएगा और म्यूटा रोटेशन शो करेगा, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज हेमी एसिटल की वजह से। लेकिन अगर सुक्रोज के डायग्राम पे ध्यान दो,
सुक्रोज के डायग्राम पे ध्यान दो। तो क्या सुक्रोज में हेमी एसिटल है? हेमी एसिटल नहीं है सुक्रोज में। सुक्रोज में क्या क्या है? एसिटल है। एसिटल कितने हैं? एक सी एच के साथ दो ईथर, एक ये हो गया, और कहां है बताओ? नीचे वाली एसिटल कहां है? ये तो सी है ना, सी एच कहां है? ये तो सी एच है ना बेटा। तो एसिटल लिंकेज वन है, और कीटल लिंकेज कितनी है? वन। लेकिन हेमी एसिटल तो नहीं है, और हेमी कीटल भी नहीं है। हेमी कीटल भी नहीं है। ध्यान दीजिए सुक्रोज के डायग्राम पे। कारण क्या है? कारण ये कि सुक्रोज के बनने में अल्फा डी ग्लूकोज का एनोमरिक कार्बन और बीटा डी फ्रक्टोज का एनोमरिक कार्बन। सुक्रोज के बनने में क्या हुआ? रिकॉल करो, सुक्रोज के बनने में क्या हुआ? अल्फा डी ग्लूकोज का C1 और बीटा डी फ्रक्टोज का C2, मतलब दोनों के एनोमरिक कार्बन के OH के इन्वॉल्वमेंट से वाटर निकला। जबकि सेलोबायोस के बनने में एक यूनिट का C1 एनोमरिक कार्बन, लेकिन दूसरी यूनिट का नॉन एनोमरिक कार्बन। इसीलिए सेलोबायोस में एक हेमी एसिटल बच गया, लेकिन उसके सुक्रोज के बनने में दोनों एनोमरिक कार्बन के OH इन्वॉल्व। इसीलिए सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, मतलब सुक्रोज जो है फेलिंग बेनेडिक्ट टॉलन को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, सुक्रोज ओसा जोन फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, सुक्रोज म्यूटा रोटेशन भी नहीं कर पाएगा। तो सुक्रोज और बाकी जो तीन डाइसेक्राइड है उनमें मेजर डिफरेंसेस हम लोग को जानने हैं। हमने टोटल चार डाइसेक्राइड की बात की, बताएंगे चार डाइसेक्राइड कौन कौन सी है। हमने कौन कौन से चार डाइसेक्राइड की नाम लिए? माल्टोज, लैक्टोज, सेलोबायोज और सुक्रोज। इनमें से सेलोबायोज बताया कि बीटा डी ग्लूकोज के कंडेंसेशन से बनता है, सुक्रोज बनता है अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज और बीटा डी फ्रक्टोफिरानोज के कंडेंसेशन से बनता है। ऐसे ही माल्टोज और लैक्टोज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इन चारों में केवल सुक्रोज ऐसा है जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्या आप जानते हो कि अभी शायद ये बात समझ में कईयों को नहीं आई, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या है। क्या आप जानते हो फ्रक्टोज जो है फेलिंग सॉल्यूशन को या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को या टॉलन रिएजेंट को, क्या फ्रक्टोज रिड्यूस करता है? अरे फ्रक्टोज का डायग्राम क्या है ओपेन चेन में? यही तो है। देखिए मैं कितनी बार बना रहा हूं और आप देखिए बोर भी नहीं हो रहा हूं। आप अभी पहली बार बनाना स्टार्ट किए और अभी तो आपके लिए नई चीज में कहां लोग बोर होते हैं भाई। नई चीज होती है आपके लिए, तो नई चीज है तो बोर थोड़ा होना चाहिए। तो आप देखिए ये फ्रक्टोज है और ये क्या है? फ्रक्टोज क्या है? हम देखिए उंगली कर रहे हैं। फ्रक्टोज क्या है? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है कि नहीं? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन इसके साथ क्या करते हैं? नहीं याद आया? बिल्कुल गायब। अरे फेलिंग बेनेडिक्ट टॉलन को कौन कौन रिड्यूस करता है? सोचो आप, रिकॉल करो भाई। ये तो कार्बोहाइड्रेट चैप्टर नहीं है, माना कि कार्बोहाइड्रेट के डायग्राम बनाने में आपको कष्ट हो रहा था, लेकिन फेलिंग बेनेडिक्ट टॉलन को कौन कौन से कंपाउंड बताओ श्रेयांश, डिटेल बताओ। देखिए बता रहे, एल्डिहाइड रिड्यूस करता है और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन करता है, और सर फॉर्मिक एसिड करता है,
और याद नहीं आ रहा, एक कंपाउंड याद नहीं आ रहा भी है, जैसे बताया ना एक एल्डिहाइड और क्या अल्फा हाइड्रोक्सीकिनोन और फॉर्मिक एसिड और याद नहीं आ रहा। तो ये नया कंपाउंड है जो अभी खोज हुई है। कोई और बताएगा? नहीं बस आप बताओ, मैं आपकी तरफ दुनिया देख रही है। आप लोग जेम हो इस क्लास के, प्रेशियस जेम्स। आप बताइए, आप बताओ आदित्य, मेरा आदित्य कनोडिया भी तो है, कोई आए हैं? हाँ आए। अरे एसिटल, हेमी एसिटल, हेमी एसिटल भी तो करता है। अब याद आया क्या? अभी भी याद नहीं आया? अगर अभी भी याद नहीं आया है तो मेमोरी चेक कराइए। मामला बादाम खाइए रोज, होता है ना मामला बादाम। किसको पता है मामला बादाम? किसी को नहीं मालूम? बादाम तो पता है लेकिन मामला बादाम नहीं पता। थोड़ा कॉस्टली आता है वो, अगर खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट अच्छे से याद हो जाएगा। थोड़ा महंगा आता है वो, कम से कम 6 गुना रेट होगा उसके नॉर्मल बादाम से। तो आप लिख लीजिए कौन कौन से, हम ये बता रहे कौन कौन से शॉपकीपर हैं जो इसको बेचते हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो फेलिंग बेनेडिक्ट टॉलन को रिड्यूस करते हैं। एल्डिहाइड्स, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स और हेमी एसिटल और फॉर्मिक एसिड, ये कंपाउंड है कैन रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, टॉलन रीजन। ऑस्टेलो बायोस इज ए रिड्यूसिंग शुगर वाइल, मतलब वाइल में क्या लिखें, सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो सेलोबायोस क्यों रिड्यूसिंग शुगर है? हेमीएसिटल है, लेकिन सुक्रोज के पास हेमीएसिटल नहीं है। क्या सेलुलोज रिड्यूसिंग शुगर होगा? वैसे तो सेलुलोज शुगर भी नहीं है, उसको नॉन शुगर बोलते हैं क्योंकि मीठा नहीं है। जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं उनको बोलते हैं नॉन शुगर, उसको कहते हैं ना नॉन सेक्राइड बोलते हैं, नॉन शुगर। तो सेलुलोज जो है वो रिड्यूसिंग नहीं है, नॉन रिड्यूसिंग है, क्योंकि सेलुलोज के पास हेमीएसिटल नहीं है। यहां तक तो कुछ क्लियर हुआ बेटा? एक बार रिव्यू करो पूरा, क्योंकि आपको मेन साइक्लिक डायग्राम अच्छे से याद हो जाए और अल्फा बीटा फॉर्म ड्रॉ करना आ जाए। रिव्यू करिए, तो क्रोस के हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। तो ग्लूकोज को हम क्या लिखते हैं? डी प्लस, है ना? इसको क्या लिखते हैं? डी माइनस। जो सुक्रोज है उसका जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो होता है प्लस का 66.6 डिग्री के आसपास अप्रोक्सीमेटली। मतलब ये वाला नंबर फिक्स है लेकिन इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन मिल सकता है आपको बुक्स में। 66 तो कम से कम याद रखना है, 66.7 मिल सकता है, कहीं कहीं 66.6 लिखा हो,
इसमें वेरिएशन मिल सकता है अलग अलग जगह डेटा में, प्लस 66.33 है। ग्लूकोज का कितना है? 52.7। मैंने याद कराने के लिए 5 2 7 करके बता दिया था, तो 52 इंपॉर्टेंट है। और फ्रक्टोज का होता है -92.4 डिग्री, तो इसमें -92 इंपॉर्टेंट है। तो 52 92, लेकिन वो माइनस में है, ज्यादा है, तो ओवरऑल मिक्सचर क्या कहलाएगा? लेवोरोटेटेड, क्योंकि इस रिएक्शन में दोनों बराबर मात्रा में प्राप्त होंगे ना। ये तो शुगर है, सुक्रोज को क्या बोलते हैं? शुगर बोलते हैं भाई, सुक्रोज को तो शुगर बोलते हैं, शुगर का मतलब केन शुगर है। और इसको बोलते हैं इनवर्ट शुगर, क्योंकि इन्वर्जन हो गया, ये डेक्स्ट्रो है, पूरा मिक्सचर लेवो हो जाए, इसीलिए इसको इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। शुगर जो है, केन शुगर जो है, जिसका मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, कैसे बनाया था देखो, ऊपर नीचे अल्फा रखा था, ऊपर कौन सा अल्फा? अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। ये कई बार आपको बोलना पड़ेगा, आज घर जाना तो अपनी मम्मी डैडी के सामने यही बोलना, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, और नीचे क्या रखेंगे? बीटा डी फ्रक्टोफिरानोज। तो शुगर है वो, तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटर याद रखना पड़ेगा। और ग्लूकोज भी डेक्स्ट्रो है और फ्रक्टोज लेवर रोटेटरी। तो एक बात लिखेंगे हम लोग यहां पे, इक्विमोलर मिक्सचर, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी प्लस ग्लूकोज एंड डी माइनस फ्रक्टोज इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? इन्वर्ट शुगर, इन्वर्ट शुगर। इसको इन्वर्ट शुगर क्यों बोलते हैं? वजह समझ आ रही होगी, इस रिएक्शन में इन्वर्जन हो गया। केमिकल काइनेटिक्स में कोई इसका क्वेश्चन भी आपने किया हो, शुरू में ऑप्टिकल रोटेशन दिया था, एंटी क्लॉकवाइज माना होगा, बाद में क्लॉकवाइज माना होगा, आर जीरो माइनस आर इन्फिनिटी उसके प्रोपोर्शनल ए हो जाता है। तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोलते हैं, दिस इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। अब आप डायग्राम बनाइए लैक्टोज का, जिसके लिए मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं। लिखिए लैक्टोज इज ए, लैक्टोज इज ए डाइसैकेराइड, लैक्टोज इज ए डाइसैकेराइड ऑफ फार्मूला। फॉर्मूला बताइए, बिल्कुल सही बताया, लैक्टोज इज ए डाइसैकेराइड ऑफ फार्मूला C12H22O11। लैक्टोज इज ए डाइसैकेराइड, पेपर ले आना, लैक्टोज इज ए डाइसैकेराइड ऑफ फार्मूला C12H22O11 विच इज फॉर्म्ड बाई कंडेंसेशन बिटवीन, लैक्टोज इज ए डाइसैकेराइड ऑफ फार्मूला C12H22O11 विच इज फॉर्म्ड बाई कंडेंसेशन बिटवीन C1 and C4 ऑफ, बल्कि इससे लिखो बिटवीन C1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज, बिटवीन C1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। रिपीट कर रहे हैं, लैक्टोज इज ए डाइसैकेराइड ऑफ फार्मूला C12H22O11 विच इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन बिटवीन C1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। तो आप डायग्राम बनाइए लैक्टोज का,
आपको बीटा डी ग्लूकोज का ध्यान है, डायग्राम देखिए बीटा डी ग्लूकोज का। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, और ये भी पता है कि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर सी फोर एपीमर ना। ऐसे में बीटा डी गैलेक्टोज का डायग्राम आप बना सकते हो। ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, तो सी फोर एपीमर है। तो देखिए ऊपर नीचे, ऊपर, अब नीचे नहीं, ऊपर, यही तो होगा, ये हो जाएगा बीटा डी गैलेक्टोस का हैवर्थ डायग्राम, बीटा डी गैलेक्टोस का हैवर्थ प्रोजेक्शन डायग्राम। देखिए अगर आपको याद नहीं होगा तो सोचो क्या क्या मौके पे आप ट्री सोचोगे, उतना टाइम तो होता नहीं है। और ये मत कहना कि सर अगर कुछ और आ गया तो, आएगा ही इसमें से कुछ और आ गया तो फिर आपकी किस्मत, क्योंकि हम लोग एक लिमिट में ही तो पढ़ते हैं। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, सिलेबस का पार्ट है, एग्जाम में नॉर्मली पूछी जाती हैं, उसको हम लोग ज्यादा फोकस्ड होके पढ़ते हैं। तो बीटा डी ग्लूकोज का आपको याद है, बीटा डी गैलेक्टोज का याद नहीं है, लेकिन हम बना सकते हैं क्योंकि गैलेक्टोज जो है ग्लूकोज का सी फोर एपीमर है। तो चार नंबर पे कंफिग्रेशन आपने पलट दिया। चार नंबर पे कॉन्फ़िगरेशन पलट दिया। अब लैक्टोज कैसे बनेगा, लैक्टोज कैसे बनेगा, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। अब कैसे याद रहेगा कि पहले गैलेक्टोज है कि पहले ग्लूकोज है, तो क्योंकि नाम है लैक्टोज तो पहले गैलेक्टोज लिखना है, क्योंकि ये भी कंफ्यूजन मौके पर हो सकता है कि पहले कौन लिखो, किसका सीवन, तो नाम है लैक्टोज तो पहले गैलेक्टोज लिखो। एक एक बारीकी इसमें इंपॉर्टेंट है कि मौके पे आप कैसे रिकॉल करो। हमें इस तरह पढ़ना है कि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कर पाए। देखिए पढ़ाना बहुत सिंपल, पढ़ना बहुत सिंपल, लेकिन ऐसा पढ़ाना कि जो पढ़ा वो एग्जाम में आए, बच्चे को याद हो जाए, मुश्किल काम है। इसी तरह से ऐसे पढ़ना कि आज पढ़ा और हमें कम से कम साल भर तक याद रहे, वो मुश्किल काम है। उसी मुश्किल काम को हम लोग को आसान करना है, सिलेक्शन हो फिर बेहतर रैंक आए। तो जितनी पॉलिशिंग आप करोगे जितना अच्छे से याद रहेगा। और बहुत सारी चीजें आजकल याद करने वाली जो एग्जाम में आ रही है, तो पहले आपको बीटा डी गैलेक्टोज लिखना है, फिर बीटा डी ग्लूकोज लिखना है। तो बीटा डी ग्लूकोज क्या है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर, और बीटा डी गैलेक्टोज क्या है, ऊपर नीचे, ऊपर ऊपर, ये बीटा डी गैलेक्टोज है और ये बीटा डी ग्लूकोज है। अब इसमें क्या करना है, ये सी वन है और ये सी फोर है, बना दीजिए उसको लैक्टोज का डायग्राम।
अब आप कुछ ही सब याद रखना आसान तो है नहीं, मौके पे आपको थोड़ा बहुत तो सोचना ही पड़ेगा ये सब कि कैसे बना था वो। ऐसा तो संभव नहीं कि आप लैक्टोज का ही दिमाग में याद रख लो। तो चार डाइसेक्राइड में से तीन के डायग्राम आपके पास आ गए हैं, लैक्टोज, सेलोबायोस, सुक्रोज। तो इस टॉपिक का जो रेस्ट पार्ट है हम लोग नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। अभी जो टेस्ट पेपर आपके पास आया है उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आज के डिस्कशन से कनेक्टेड होंगे और कुछ क्वेश्चन पिछली डिस्कशन से कनेक्टेड होंगे जिसमें रिएक्शंस वगैरह होते हैं।